नमस्कार दोस्तों। तो गाइस आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक एचपी का लैपटॉप है, मिनी लैपटॉप। अगेन जिनको 12.5 इंच में मिनी लैपटॉप चाहिए और थोड़ा स्टडी भी चाहिए। मैं बहुत तो बोलते हैं कि सर मिनी लैपटॉप आते हैं लाइट वेट, बट वो स्ट्रांग नहीं रहते, स्टडी नहीं रहते, जल्दी टूट जाते हैं, हिंदी लूज हो जाते हैं, इस तरह की कंप्लेन हमको आती है। तो गाइस आज मैं लेके आया हूँ एचपी का एलाइट बुक 2570P। बिजनेस लैपटॉप है, आप वापस इसी कंपेरिजन नॉर्मल कंज्यूमर लैपटॉप से नहीं कर सकते। गाइस दोनों का जो नीश है, मतलब जो वर्क पर्पज है, वो बहुत अलग है। तो ये गाइस काफी लॉन्ग लास्टिंग हो, एंड प्लस ये वाला जो पीस है गाइस, मतलब ये जो लैपटॉप है मेरे पास, ये 100% प्योर इम्पोर्ट कंडीशन मटर। तो गाइस ये जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एचपी का एलाइट बुक 2570P। गाइस सबसे पहली बात हम करेंगे इसके फिजिकल बॉडी की और बिल्ड क्वालिटी एंड इसके वेट के बारे में। तो गाइस आप चेक कर सकते हो, पहली बात ये पूरा मैग्नीशियम चेसिस है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉडी नहीं है जो कि आपको दूसरे लैपटॉप में देखने मिलेगी। एक मैग्नीशियम चेसिस है, ये मेटालिक है। पीसी से गाइस आप चेक कर सकते हो, फुल मेटल कोटिंग है यहाँ पे। ये साइड पे गाइस आपको एक नॉर्मल प्लास्टिक मिलेगा एंड ये 100% इम्पोर्ट कंडीशन मटेरियल है। इसके लिए यहाँ पे आपको जो रबर जो भी ज्यादा घिसे हुए नहीं मिलेंगे। ये चार रबर यहाँ पे सपोर्ट के लिए दिए हुए हैं। ये गाइस यहाँ पे इसकी बैटरी है, ये 3 सेल की बैटरी आती है। इसके अंदर गाइस आप 6 सेल और 9 सेल की भी अपग्रेड कर सकते हैं। सो बैटरी बैकअप भी गाइस आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो गाइस ये इसमें भी एक चिकलेट कीबोर्ड दिया हुआ है एंड ये स्पिल प्रूफ कीबोर्ड है, ऐसा बोलते हैं। मतलब अगर कुछ आपकी कॉफी गिर गई, चाय गिर गई, छोटा मोटा पानी गिर गया तो कीबोर्ड को इश्यू नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई कर भी नहीं सकते। गाइस यहाँ पे आपको 4 क्लिक्स मिलते हैं, ऊपर मिलते हैं और नीचे मिलते हैं। जो आदमी जिस तरीके से हैबिचुएटेड है उस तरीके से गाइस वो कर सकता है। इसके हिंजेस की बात करें गाइस, तो काफी अच्छी स्पेसिंग दी गई हुई है, इतनी बड़ी स्पेसिंग दी गई हुई हिंजेस के लिए। तो जैसे अगर मैं इसको ये पोजीशन में भी रखूंगा तो गाइस ये बंद नहीं होगा, काफी स्ट्रांग हिंजेस है। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने प्रोबुक का बताया था, तो उसमें प्रोबुक में कैसे छोटे हिंजेस की वजह से वो थोड़ी स्टडीनेस नहीं थी। एंड गाइस इसकी बेजल क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो, एकदम स्ट्रांग रहेगा गाइस ये लैपटॉप। थिकनेस में गाइस ये हल्का सा थिक रहेगा, बट वेट इज ओनली 1.35 kg से 1.4 kg। वो भी अगर आप हार्ड ड्राइव निकाल के एसएसडी डालेंगे तो थोड़ी सी वेट कम भी हो जाएगी। तो गाइस वेट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिजिकल बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी अमेजिंग है। तो गाइस हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस ये अंडर 20,000 रुपीज का प्रोडक्ट है। तो गाइस इसके अंदर जो है वो कोर i5 है 3320M या 3230M, जो भी बेंचमार्क से गाइस मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिए हुए आप चेक कर सकते हो, आप प्रैक्टिकली तुलना कर सकते हो कि इसमें i5 6th generation है या फिर i5 7th generation है। अगर तुलना कर सकते हो जैसे i5 6th generation है या i5 7th generation है, तो उसके जो बेंचमार्क से मैंने स्क्रीनशॉट रखे हो, तो आपको आइडिया आएगा कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस हमेशा जनरेशन मैटर नहीं करता है, उसका जो प्रोसेसर होता है चिप वो इम्पोर्टेंट रहती है। बट गाइस एफिशिएंसी में ऑब्वियसली आपको हायर एंड के प्रोसेसर जो है, हायर जनरेशन, आपको एफिशिएंसी काफी बढ़िया देंगे। गाइस हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक स्मार्ट कार्ड रीडर है, यहाँ पे गाइस डीवीडी राइटर का एक केसिंग भी दिया हुआ है, आप वो निकाल के एसएसडी के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस एक टेलीफोन पोर्ट है, लैन पोर्ट है, ये चार्जिंग पोर्ट रहेगा। पीछे के साइड पे गाइस आपको 2 USB पोर्ट्स और 1 VGA पोर्ट मिल जाएगा। एंड गाइस ये साइड पे वेंटिलेशन है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये लॉक स्लॉट है, eSATA पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट है, एक एसडी कार्ड रीडर भी है, माइक्रोफोन हेडफोन जैक है, और बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अगेन कास्टिंग का भी एक दिया हुआ है। तो गाइस जो एक्सेसिबिलिटी वो काफी अच्छी मिलती है। एंड इस साइड पे गाइस आपको नेटवर्क बटन है, ये इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए है, और ये वॉल्यूम बटन है, म्यूट बटन है। एंड गाइस यहाँ पे सब फंक्शन कीज है, वो सारी की सारी पूरे कीबोर्ड आपको फंक्शन मिलेगी। तो गाइस जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है वो काफी एकदम बढ़िया रहेगी। इसके अंदर गाइस 16 GB RAM तक आप अपग्रेड कर सकते हैं एंड आप इसमें कितना भी हार्ड ड्राइव SSD आप मैन्युअली अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस जो ओवरऑल ये लैपटॉप है, वीडियो कॉलिंग है या वर्क पर्पस है, स्टूडेंट्स के लिए या फिर किसी आपके बच्चे के लिए चाहिए, तो काफी रिलायबल लैपटॉप है गाइस, एकदम स्टडी रहेगा, एकदम मजबूत रहेगा और एकदम आपको परफॉर्मेंस भी एकदम अच्छा देगा। चेक कर सकते हो, ये i5 3210M है, इसके भी गाइस मैंने बेंचमार्क्स पहले दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। रिस्पॉन्स रहेगा गाइस वो काफी फास्ट रहेगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा, बाद में आपको काफी अच्छा गाइस इसके अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर गाइस मैं यहाँ पे स्टार्ट में जाके पावर पॉइंट करता हूँ, यहाँ पे देखो पावर पॉइंट गाइस, ये 3 से 4 सेकंड में ये ओपन हो जाएगा। अगर गाइस इसी चीज को अगर हम हार्ड ड्राइव से एसएसडी के साथ रिप्लेस कर देंगे तो गाइस काफी आपको काफी हद तक डिफरेंस देखने को मिलेगी परफॉर्मेंस के अंदर,
आप चेक करो सारी चीजें ऐसे आप खोलेंगे तो गाइस एकदम सही तरीके से ये खुलने वाला है, ज्यादा लैग या ज्यादा हैंग ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आप चेक कर सकते हो एकदम इजीली गाइस सारी चीजें ओपन होगी। मैं गाइस इसके आपको फटाफट कैमरा क्वालिटी दिखा देता हूँ जिनको अगर चाहिए वीडियो कॉलिंग के लिए और वो सब चीजें के लिए। ये गाइस आप चेक कर सकते हो मतलब किस तरीके की इसमें कैमरा क्वालिटी गाइस आपको मिलने वाली है, एकदम डिसेंट कैमरा क्वालिटी रहेगी। गाइस आप चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको एक डिसेंट क्वालिटी मिलने वाली है यहाँ के अंदर। 720p का गाइस ये कैमरा रहेगा, आप चेक कर सकते हो 720p 0.9 मेगापिक्सल, क्योंकि जिसको कैमरा क्वालिटी भी चाहिए गाइस उसके लिए भी एकदम अच्छा रहेगा। इसमें गाइस आपको बॉटम स्पीकर्स मिलेंगे जिसकी क्वालिटी आपको स्पीकर की क्वालिटी एकदम सही रहेगी। ओवरऑल गाइस आप लैपटॉप की कंडीशन चेक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा लाइक ऑलमोस्ट एज इट इज न्यू लैपटॉप रहेगा। तो गाइस मल्टीटास्किंग करना है, कोडिंग करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर ऐसे कोई काम के लिए चाहिए तो ये लैपटॉप गाइस काफी ब्रिलियंट रहेगा। हमारे पास सारे मॉडिफिकेशन इसके अवेलेबल है। तो गाइस कॉल करिए 8850247354 पे और व्हाट्सएप कीजिए सेम नंबर पे। वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा ये जो आइडिया है रिव्यू करना आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सजेशन आप हमें व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं या तो फिर मैं कमेंट्स की सेक्शन भी खोलने वाला हूँ। हर टाइम हर वीडियो में नो कमेंट्स, हम कमेंट्स ऑफ रखते थे। तो गाइस आई होप आपको पसंद आया लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस गोअर्स के लिए, एमएस ऑफिस यूजर्स के लिए, बेसिक अकाउंट्स के लिए या मल्टी टास्किंग और मल्टी मीडिया के लिए लैपटॉप काफी ब्रिलियंट रहेगा, बट जिसको 12.5 चाहिए उनको। थैंक यू गाइस।